जी बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, लाल लोबिया रेसिपी, ग्रेवी वाली राजमा रेसिपी। ग्रेवी के साथ और ये चावलों के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, ये रोटी के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, उबले हुए चावलों के साथ, तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये हमने किस तरह बनाई है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी करते रहा करें। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुर्रम होंगे। आज मैं लेके आई हूँ जी राजमा यानी लाल लोबिये की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। इतनी आसान रेसिपी शायद आपने पहले कभी ना ही देखी हो। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम राजमा ले लिया है, उसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छे राजमा को गलाने के लिए आपको ओवरनाइट इसे भिगोना होगा। अगर नहीं भिगो सके तो कोई बात नहीं, आप 2.5 से 3 घंटे भिगो सकते हैं। तो तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। ये 250 ग्राम हमारे पास है राजमा, तो अब इसको मैंने उसी पानी में जिसमें मैंने भिगोया था इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। आइए अब देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। इसके लिए 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज काटी है, और 1 अदद दरमियाने साइज़ का गट्ठा जो है वो मैंने लहसुन का छील लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। 1/2 चाय की चम्मच हल्दी है, 1.5 चाय की चम्मच नमक है, 1 चाय की चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 चाय की चम्मच हमने मिर्च पाउडर ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चाय की चम्मच जो है वो जीरा लिया है। ये तमाम मसाले हम शामिल करते हैं राजमा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और प्याज लहसुन और टमाटर भी इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, ये शामिल हो गए। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बंद करते हैं। इसमें 10 गिलास पानी है। 10 गिलास पानी इसलिए है कि ये थोड़ा देर से गलेगा और हम इसको 1 घंटे के लिए बंद कर देंगे, फिर बीच में चेक कर लेंगे। लोबिया जी मुकम्मल तौर पर गल गया है, लेकिन हमने इसको 1 घंटा 15 मिनट गलाया है। इसको ये देखें फूल चुका है मुकम्मल। मैं दिखाती हूँ आपको इसको ठंडा करके। यहाँ थोड़ी सी मैंने अदरक काटी हुई है, मैं यहाँ पे डालती हूँ, तो मैं आपको हाथ से मैश करके दिखाती हूँ। 1 घंटा 15 मिनट हमने इसको गलाया है, क्योंकि मैंने इसे निकाल के खोल के देख लिया था। अब हम इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है वो घी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घी पसंद नहीं है। तो अब हम इसकी भुनाई करना शुरू करते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी अदरक हमने बारीक बारीक काटी है, कुछ हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, और थोड़ी सी अदरक जो है वो हम इसमें शामिल करते हैं। अब देख सकते हैं डाल दिया हमने अदरक को, और अब हम इसकी भुनाई करना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि लोबिया कितना अच्छा गल गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लोबिया गल गया है, और इसको 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं। भुनाई कर रहे हैं जी हम इसकी, और यहाँ पर हम 2 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे और इसको भुनेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये इसके जो मसाला जात हैं, जो टमाटर प्याज हैं, वो जो है वो यकजान हो जाए और ये भुन जाए अच्छे तरीके से। 6 मिनट हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। और अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। आधी चाय की चम्मच हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, और अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 से 5 मिनट दम लगाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, मज़ेदार किस्म की ग्रेवी वाली जो है लोबिया हमारी राजमा रेसिपी तैयार हो गई है, लाल लोबिया रेसिपी। इसको आप जल्दी से चावल वाइट चावल उबालें और उसके साथ इसको उसके ऊपर डाल के खाएँ। इंतहाई मज़ेदार डिश है ये, और बहुत ही मशहूर बहुत फेमस डिश है। या जीरे वाले चावल बना लें तड़के वाले, उसके ऊपर डाल के खाएँ, या फिर रोटी के साथ खा लें, हर तरह ये आपको इंतहाई मज़े की लगेगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं काट कर। मैंने इसलिए नहीं डाली कि मेरे बच्चे जो हैं वो शौक से नहीं खाते। तो अभी आप इसको बनाएं, रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी इसी तरह की वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। कमेंट्स में राय का इजहार करते रहा करें, आपकी राय का मुझे आपके कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा। अल्लाह।